हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सब ने आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा, रोमन रेंस ने अपने लाइफ का सबसे सैडेस्ट प्रोमो दिया, जहां पर वे बताते हैं कि वो एक डिजीज से सफर कर रहे हैं जिसका नाम है ल्यूकेमिया, और उस डिजीज से लड़ने के लिए उन्हें कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक लेना पड़ेगा। इसलिए वे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर देते हैं। इसके कारण गाइस, जो क्राउन ज्वेल में ट्रिपल थ्रेट मैच होना था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उसे कैंसिल कर एक सिंगल्स मैच बना दिया गया है, जो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। यानी जो भी इस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। गाइस, ये तो हो गए क्राउन ज्वेल से रिलेटेड अपडेट। लेकिन गाइस, क्या आप सब जानते हैं, जब रोमन रेंस अपना प्रोमो खत्म कर बैक स्टेज गए, तो उन्होंने एरिना छोड़ते वक्त किस किस से मिला? सो गाइस, सबसे पहले रोमन रेंस ने बैक स्टेज जाकर ट्रिपल एच से मिला, जहां पर वो दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने शॉन माइकल्स, पॉल हेमन, टाइटस ओनील, फिन बैलर, नाया जैक्स, इसके अलावा गाइस रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन से भी मिला, जहां पर रेंस और स्ट्रोमन दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। बट गाइस, रोमन रेंस ने अपने आंसू छुपाकर हंसते हंसते बिल्डिंग को छोड़ दिया था। यानी कि गाइस, रोमन रेंस नहीं चाहते कि उनके वजह से उनके फैंस को बुरा लगे। बट गाइस, हम सब गॉड से प्रे करेंगे कि रोमन रेंस जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा गाइस, आप सब कॉमेंट कर बताइए कि आपको रोमन रेंस के बिना WWE देखने में मजा आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसका फायदा ये होगा, मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।